बोरुटो के डिसअपॉइंटिंग रिव्यू के बाद मैं अपने एडिटर को पूछा कि भाई कोई और एनीमे बता जिसको मैं देखूं, और उसने मुझे कहा कि भाई एक एनीमे है जिसमें ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, रात भर में तू देख लेगा और अपन रिव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो एनीमे बड़ा अजीब सा था क्योंकि मैं आज से पहले जितने भी एनीमे देखा हूं उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, वो कुछ एक्शन वाले कुछ अलग वाले हैं, ये एनीमे बहुत अलग था। हाँ, चेनसॉ मैन की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा अलग एनीमे है ये। और उसका रीजन है कि मोटिव्स, हमारे कैरेक्टर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, उसके मोटिव क्या है करने को लेके। अपन आते हैं, आगे बढ़ गया मैं स्टोरी में, पीछे आते हैं, शुरू से बात करते हैं। चेनसॉ मैन के 12 एपिसोड्स हैं और एक एक एपिसोड का लेंथ 25-25 मिनट है, और ये पिछले साल से चालू हो चुका था, हफ्ते में एक एपिसोड रिलीज होना, इस साल कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग अभी चाहो तो देखना चाहो तो वन गो में मिल जाएगा। लेकिन मेरा पहला कहना है भाई, एक सजेशन है कि वो लोग जिनका एज 18 से कम है प्लीज मत देखना। और दूसरा, जो वल्गर चीज देख सकते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अच्छी लगेंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मूड खराब कर देंगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। अब आते हैं हम लोग स्टोरी पे वापस। स्टोरी इसका ऐसा है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत बुरे समय से गुजर रहा है लाइफ में। उसने अपने एक आंख, एक किडनी और एक नट बेच चुका है वो पैसे के लिए। एक से बार सेट करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट किस लेवल तक जा सकता है पैसों के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद जो चीजें होती हैं, फर्स्ट एपिसोड इज इनफ कि आपको एक बेस तैयार करने के लिए, और सेकंड एपिसोड से जो चीजें होती हैं भाई, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस चीज के बारे में क्योंकि थोड़ा होलसम कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा वल्गर बात नहीं कर सकते। बट है, हर एक एनीमे में लोगों के पास अलग अलग मोटिव होते हैं। अगर हम लोग नरूटो की बात करें तो होकागे बनना है, किसी में किसी को दुनिया बचाना है, किसी को बदला लेना है, इसको जो करना है वो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एट द सेम टाइम। जैसे कि उसको क्या चाहिए, हर किसी को क्या जरूरत होती है, उसको ब्रेड पे जैम लगाना है। उसकी जिंदगी का मकसद है कि मेरे को एक ऐसा लाइफ चाहिए जिसमें मैं ब्रेड पे जैम लगाऊं, अच्छा बिस्तर हो सोने के लिए, रोज नहा सकूं और वो सारी चीजें सुख सुविधाएं मिल सके जो 16 साल का बंदा इमेजिन करता मन में। लेकिन बंदा ब्लंट है, वो लड़कियों को बोल दे रहा है वो सारी चीजें जो आप भी सोचते हो मन में। अगर ओवरऑल मेरा रिव्यू बोला जाए तो बहुत अच्छा एनीमे है। कुछ कुछ सीन सच में बहुत अजीब है, क्योंकि एक सीन है प्यूक वाला जिसको देखने के बाद मैं फोन पॉज किया था और मैं बाहर गया, और 2 या 3 एपिसोड देखने के बाद मैं खुद करण को कॉल लगाया कि ब्रो तू क्या दिखा रहा है मेरे को, तू चाहता क्या है कि मैं क्या देखूं, इसमें क्या रिव्यू करूंगा मैं, रिव्यू करने के लिए मैं देख रहा हूं ब्रो, मजे के लिए नहीं देख रहा हूं। तो ही वाज लाइक कि पूरा देख तू, और मैं बोला भाई हर एपिसोड के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि ये शूटिंग के समय मैं इसको गाली दूंगा, बट एंडिंग तक मैं थोड़ा ठीक हो चुका था वो प्रॉब्लम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो ठीक है एनीमे देखने के लिए। इमोशनल मोमेंट्स भी है सीरीज में, कॉमेडी भी हिट करता है, इमोशनल मोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इतना कुछ मैं अच्छी बातें बोल चुका था तो तुम लोग समझ गए कि भाई कॉमेडी हो गई होगा, जहाँ पे थोड़ा सा आर रेटेड स्टफ आ जाता है वहां पे कॉमेडी अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इमोशन फील होना चाहिए। वो हुआ जब हमारी एक, स्पॉइल नहीं करूंगा बस बताऊंगा कि कोई एक गुजर जाता है तो उसके जाने पर जो महसूस होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है कि भाई क्यों 12 ही एपिसोड में इतने बड़े कैरेक्टर को तुम भेज दिए, तो वो एक बुरा फील होता है। और दूसरा चीज, ओवर पावर नहीं है हमारा हीरो, मतलब वो सबसे पिटता है, वो मार खाता है, वही उसकी क्वालिटी है मेरे हिसाब से कि वो मार खा रहा है और उसका डेडिकेशन जिस चीज के लिए है, तो वो भी जॉन सीना है नेवर गिव अप वाला कि भाई वो चाहिए, मतलब मैं कुछ भी करेगा, मैं पीटेगा मारेगा तुम जो करना कर लो, वो तो मेरे को चाहिए। इस एनीमे के बारे में बात करने से एक नाम तो सबको लेना ही पड़ेगा, वो है माकीमा और पावर। माकीमा, मैं बोलूं माकीमा एक रियल लाइफ एक ऐसी कैरेक्टर है, मैं बता, जो हर कोई देखा होगा, मेरे दोस्तों की भी कोई ना कोई ऐसी गर्लफ्रेंड होगी ना जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, वो कुछ भी करवा सकती है आपसे और आप वो बात जानते हो, बट फिर भी आप करने को राजी हो क्योंकि वो माकीमा है। पावर करके भी एक कैरेक्टर है, वो भी थोड़ी अनोइंग है, थोड़ी सी सारादा टाइप की लगती है, जो नरूटो देख रहे हो रिलेट कर सकते हैं। सारादा नहीं, कारिन बोल सकते हो तुम, कि कारिन जितनी अनोइंग है वो। एक कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बताना भूल गया, क्योंकि भाई जब तुम्हारे सामने ना दो बड़े कैरेक्टर हो माकीमा और पावर जैसे, तो तुम कहीं और ध्यान नहीं जाता, मुश्किल है फोकस करना सामने। तो मैं बोलूंगा कि आकी करके नाम है एक कैरेक्टर का, जो वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसका भी बहुत डेप्थ है कैरेक्टर में, और उसके उसने भी बहुत कुछ खोया है, इसीलिए वो बना है डेविल हंटर। डेविल हंटर मतलब वो सारे लोग हमारे जिनका मैं नाम लिया हूं अभी। पूरी स्टोरी बहुत अच्छी है, हाँ लोग मैं देखा VFX को लेके क्रिटिसाइज करें इसको लेके, भाई मेरे लिए चल जाएगा, मैं एकदम ज्यादा क्रिटिकली नहीं देखता कि ये चीज कैसा कैसा है। मैं बोरुटो भी देख के थोड़ा सा खुश हो गया था, तो तुम सोच लो कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बोरुटो के कुछ सीन्स कितने गंदे आप लोग सब समझ रहे होगे, तो मेरे हिसाब से हर किसी को देखना चाहिए। और वो लोग बिल्कुल मत देखना भाई जो टीवी में देखने वाले हो या बिना ईयरफोन्स के देखने वाले हो, अदरवाइज तुम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि भाई क्यों किए, तो मैं पहले चमका रहा है मत देखो प्लीज प्लीज, वरना बाद में तुम ही भिड़ोगे अपने पेरेंट्स से। और बाकी मेरे हिसाब से बाकी लोग देख सकते हैं, जिनके 20-25 साल उम्र है वो देखो, खाना खाते समय मत देखना प्लीज, खाना खाते समय कुछ एपिसोड्स तो देखना ही मत, घिन आ जाएगा। तो बाकी मेरे हिसाब से ये देखने लायक है बिल्कुल है और बहुत अच्छा एनीमे है, और ऐसे और एनीमे सजेशन है तो बताओ, बस पहले से बता देना भाई कि वो आर रेटेड है, तो मैं प्रिपेयर होकर बैठे रहूंगा, अदरवाइज मेरा ध्यान इधर उधर चल जाता है। ओके बाय।
लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और भाई एनिमेस का नाम बताओ यार जो छोटा छोटा है मैं, ताकि जल्दी जल्दी कंटेंट डाल पाऊँ। उनको मिल नहीं रहा कुछ अच्छा एनिमे देखने के लिए। और हाँ, वन पीस मत बोलना, बहुत लंबा है, मतलब पूरा जिंदगी निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा पता चला शादी के मंडप पे बैठ के मैं वन पीस देख रहा है, एक एपिसोड बचा है पंडित, तो ठीक है। माकी माँ है ये नाम बोलने में, माकी माँ कैसे बोलूँ, माकी माँ सुनने में अजीब नहीं लगता तेरे को कि ऐसा बोल रहा ना कि माकी माँ, मेरी मम्मी बोल रही कि माँ की गाली दे रहा है।